जामीर, लिसन टू मी, मुझे देखो, यू हैव टू गो, ठीक है? तुम्हें जाना है। कैसे जा सकता हूँ आपी? मैंने जो कुछ शुरू किया उसे छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? खत्म तो तुमने सब कुछ कर ही दिया है, अब बचा ही क्या है? मैंने तुमसे कहा था हम इन पर नहीं, ये मुरीद हम पर हुकूमत करते हैं। इनकी नाराजगी हमारे तख्त को तख्ता बनाने में जरा देर नहीं लगाती। एंड यू डू नॉट अंडरस्टैंड। क्या बात है, इतनी देर क्यों लग रही है ड्राइवर को? शामीर हुजूर को भेजने के लिए गाड़ी लगवा दी है, मगर मगर क्या? मगर बाहर बहुत हुजूम है, गाड़ी को बाहर नहीं जाने देंगे। अब मैंने ये दिन भी देखना था कि पीर शाह आलम अपनी ही हवेली पे महसूर होकर रह जाएगा। तुम शाहजेब को पैगाम भिजवाओ, उसे बोलो कि वो जब चाहे हवेली में आ सकता है और कि बादशाह बेगम उससे मिलना चाहती है। जी हुजूर। फिक्र मत करना, ठीक है? खामोश, खामोश, खामोश। मैं अंदर जाकर बात कर रहा हूं, आप लोग सब्र से काम लें। हवेली की हिफाजत कर रहे हैं जितनी कर सकते हैं। कोई अंदर नहीं आना पाए। अफसोस होता है मुझे तुम्हारी हालत देखकर, तुम्हें मना किया था कि अफसोस कोई जरूरत नहीं है यहां आकर झूठी हमदर्दियां जताने की तुम्हें। यह हो ही नहीं सकता कि इन लोगों को मजीद इश्तेआल तुमने ना दिलाया हो, वरना इन लोगों की क्या मजाल के इस हवेली की दीवार तक आ पहुंचे। बस कर दीजिए बाबा हजूर, मैं और मजीद नफरतें नहीं पाल सकता। शाहजेब का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम जिसे मोहब्बत कहते हो ये लोग उसे कमजोरी समझते हैं। शामिर, जानवर भी तब तक वफादार रहता है जब तक मालिक ताकतवर हो, कमजोर मालिक के सामने वो भी खड़ा हो जाता है मुकाबले के लिए। शाहजेब, ये लोग जानवर नहीं है, इंसान है। इंसान तुम देखना, ये लोग एक दिन मेरी मोहब्बत को जरूर समझेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा शामिर, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ऐसा कुछ नहीं होगा।